हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल मैडली राइडर। और मैं हूं सरोज। आज है लद्दाख राइड का डे नंबर 2 और आज हम लोग निकलेंगे वाराणसी से आगरा। देखते हैं मौसम ये है, बारिश हो रहा है। सुबह से निकलना था हम लोग को 7 बजे, लेकिन नींद जरूरी था तो एक और नींद ले लिए और 9 बजे के आसपास निकलेंगे। कोशिश करेंगे आगरा तक पहुँचने का। मेरा पैकिंग डन, दीपक भाई का भी ऑलमोस्ट डन। सुबह एक पराठा चाय खा लिए हैं। आज भी मेरे ख्याल से माइक हम कनेक्ट नहीं कर पाएंगे, तो जो भी होगा हम बाद में वॉइस ओवर कर देंगे। ड्रोन भी नहीं चला पाएंगे आज, लग रहा है दिन भर बारिश होता रहेगा। कल थोड़ा बहुत भींग गया था, लेकिन आज पूरा सेफ्टी के साथ सब कुछ पैक कर लिए हैं। तो यहाँ से निकलते हैं, अब जो होगा रोड पे मैं अपडेट देता जाऊंगा। कल वाला लास्ट जो ब्लॉग है, पहला दिन का ब्लॉग, वो उतना मज़ा नहीं आएगा मेरे ख्याल से। खाली बारिश हुआ, आज कभी वही होने वाला है। जैसा होगा आपको पता चलता जाएगा, तो वीडियो एंड तक पूरा देखना। भाई पसीना फेंक रहा है पूरा। ठीक है, मिलते हैं रास्ते पे। तो दोनों का रिजर्व में लग गया है, इसीलिए सोचे कि पहले पेट्रोल फिल करा लेते हैं, उसके बाद दौड़ाया जाएगा। लिख ले रहे, टेंशन मत ले। कितना खर्चा होगा उसका कैसे पता चलेगा, फिर से तो पता चलता है। तो पेट्रोल डलवा लिया है 997 का मैंने, और उसने शायद 1200 समथिंग का कुछ डलवाया। फुल टैंक करवा लिया। ओ भाई यहाँ क्या हो गया, इतना जैम क्यों लगा है? अच्छा गोल चक्कर है। ओ भाई थोड़ा सा साइड दे दो। हले हले, अरे यहाँ तो गाड़ी ठुक गया। ये देखो वाइट वाला कार ठुक गया पूरा। कल एक एक्सीडेंट देखा, आज भी एक देख लिया। अभी मौसम थोड़ा सा खुल गया है, बादल है, लेकिन बारिश बंद हो गया है, अच्छी बात है। देखते हैं, थोड़ा देर और वेट कर लेते हैं। अगर बारिश नहीं गिरा तो मैं माइक लगा लूँगा। हम लोग का नेक्स्ट स्टॉपेज होने वाला है प्रयागराज, जो कि वाराणसी से 101 किलोमीटर के आसपास है। वहीं पे कुछ नाश्ता वगैरह करेंगे। रोड अभी अच्छा मिल रहा है, बारिश भी थोड़ा बहुत छूट चुका है, तो जल्दी जल्दी चलते हैं। सीन कुछ ऐसा है, मैं हूँ प्रयागराज से 40 किलोमीटर पहले। प्रयागराज तो जा नहीं रहे, वो वाला जो रोड है वो चला जाएगा प्रयागराज, और ये सीधा वाला रोड जाएगा कानपुर। तो हम लोग को जाना है सीधा सीधा। तो मैं वेट कर रहा हूँ दीपक के लिए, अभी तक वो आया नहीं है, आ रहा होगा। वेदर कुछ ऐसा है, हल्का हल्का बारिश गिर रहा है, इतना तो सह लेंगे। अभी जा रहे हैं NH2 के ऊपर से, और NH2 है कलकत्ता और दिल्ली को कनेक्ट करता है, और NH2 अभी बहुत अच्छा है। थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं पर डाइवर्सन मिल रहा है, लेकिन रोड जहां अच्छा है बहुत अच्छा है। और अभी फ़िलहाल प्रयागराज हम लोग क्रॉस कर चुके हैं। अब प्रयागराज के बारे में मैं कुछ चीज़ें बता देता हूँ। ये यूपी का एक बहुत बड़ा सिटी है, और इसमें जो मेन चीज़ है वो है त्रिवेणी संगम, जो कि 3 रिवर का मीटिंग पॉइंट है, जो है गंगा, यमुना एंड सरस्वती। इसके अलावा यहाँ पर बहुत सारा टेंपल है, तो अभी तो घूम नहीं पा रहे हैं, बाद में कभी आके घूम लेंगे। यार बारिश फिर से स्टार्ट हो गया। रिकॉर्ड करने के लिए है, यूट्यूब देखते हैं ना, और यूट्यूब में वीडियो सब रहता है ना, वो सब हम लोग क्रिएट करते हैं, हम लोग डालते हैं यूट्यूब में वीडियो। हाँ वीडियो डालते हैं, वीडियो। हाँ हाँ
नहीं, इसका 45 माइलेज है। हाँ हाँ ठीक है, खाते पीते जाओ। हाँ वैसे ही खाते हैं, चलिए निकलते हैं। हाँ धन्यवाद। बहुत ही अच्छा है अभी का, तो बारिश ना हो तो शायद दिल्ली कोशिश कर सकते हैं। दिल्ली तो शायद नहीं पहुंचेंगे, आगरा तक तो कोशिश कर ही सकते हैं। ठीक है, तो यहां से अभी नेक्स्ट स्टॉपेज होने वाला है हम लोग का कानपुर में, जो है 210 किलोमीटर। अब मिलते हैं रास्ते पे, कहीं पे अगर रुकते हैं। वेलकम टू कानपुर। तो बारिश में हम लोग पहुँच गए हैं कानपुर। भाई बहुत ज़बरदस्त बारिश हो रहा था, अभी भी हो रहा है, इसीलिए मैं गोप्रो को अंदर घुसा दिया हूँ। यहाँ हम लोग थोड़ा बहुत लंच करने के लिए रुके हैं, टाइम 4:30 बज रहा है। इटावा यहाँ से अभी भी 150 किलोमीटर है, तो हम लोग का टारगेट है इटावा तक किसी तरह से पहुँचना। भाई मतलब माइक लगाने के बाद कुछ देर बाद से इतना बारिश स्टार्ट हुआ, इलाहाबाद के आसपास बारिश स्टार्ट हुआ, उसके बाद बारिश रुका ही नहीं, तो इसीलिए मैं गोप्रो को ही अंदर घुसा दिया था। और अभी बज रहा है 9:30, हम लोग 8 बजे के आसपास पहुँचे इटावा। कोशिश था हम लोग का आगरा लखनऊ जो एक्सप्रेस वे है वहाँ तक पहुँचने का, लेकिन उसके बाद बोले कि छोड़ हटाओ यार, यहीं पे रुक जाते हैं, रात हो गया था, बारिश भी बहुत तेज़ हो रहा था, इसीलिए रुक गए। रूम हम लोग को ये वाला मिला, राज रिसोर्ट इटावा में, 1000 रुपये लिया नॉन एसी का रूम, अच्छा खासा बड़ा है। सामान हम लोगों का बिखरा पड़ा है क्योंकि थोड़ा बहुत भींगा हुआ था जैकेट वैकेट ये सब, इसीलिए। तो आज का राइड का अगर बात करें भाई, कल और आज में कोई डिफरेंस नहीं था, बारिश लगातार हो रहा था। हाँ आज कुछ कुछ टाइम छूट रहा था, लेकिन बारिश तो बहुत ज़बरदस्त था। रोड का बात करें तो रोड कल ठीक ठाक था, आज जहाँ जहाँ हम लोग को रोड अच्छा मिला वहाँ 3 लेन है वन वे, लेकिन उसी में इलाहाबाद के बाद से डाइवर्जन चालू हो जा रहा था, रोड में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, तो उसके चलते इतना दिमाग ख़राब हो रहा था डाइवर्जन। और सबसे अच्छा रोड जो मिला वो हम लोगों को मिला कानपुर के बाद से, कानपुर से इटावा तक क्या ज़बरदस्त रोड था, बहुत सुंदर रोड था, तो इसी के चलते हम लोग यहाँ तक पहुँच पाए, वरना शायद नहीं पहुँच पाते यहाँ तक। बस आज के लिए इतना ही, लद्दाख Day 2 यहीं पे ख़त्म करने का टाइम आ गया है। हाँ और एक बात, आज मेरा खर्चा हुआ है, 2 बार तेल डलवाया 1000-1000 का, चाय पिए थे हम लोग और लंच किए थे, लंच का लिया था 100 रुपये, वो कहाँ पर किए थे याद नहीं आ रहा, तो 100 रुपये का लंच था, 2150 रुपये आज का मेरा एक्सपेंस है, हिसाब रखना पड़ता है भाई, बाद में अगर कोई पूछता है लद्दाख में कितना खर्चा हुआ तो बताना पड़ेगा ना। तो आज का वीडियो यहीं पे अब ख़त्म करेंगे, कल से मतलब आगरा से एकदम पूरा कंटिन्यू ब्लॉग आता रहेगा। हाँ अगर बारिश हो गया तो उसको भी मर्ज करना पड़ेगा, ठीक है जो भी है। तो आज का ब्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लद्दाख का नेक्स्ट एपिसोड ज़रूर देखना, बहुत मज़ा आने वाला है। तो अगर आप मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर दबाना, ताकि नेक्स्ट एपिसोड जब आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, अपना दोस्तों को बोलो कि भाई सब्सक्राइब करो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल के लिए बाय बाय, और इंस्टाग्राम में फॉलो करना मत भूलना। बाय बाय।